मैं एकदम सोना बच्चा बनकर तैयार हो गया हूँ, ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, तो सीधा पार्किंग में आकर ही शुरू किया है। वैसे तो पहले भी शुरू कर लेता, खैर अभी शुरू किया है। तो अभी ऑडिशन के लिए निकल रहा हूँ, मतलब जहाँ आराम नगर है हमारे, एक जगह जहाँ पे ऑडिशंस मूवीज़ के और वेब्स के और एड के ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जा रहा हूँ आज। देखते हैं, काफ़ी टाइम के बाद प्रोफाइल देने जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने एक बार दे दिया ऑडिशन, मतलब वहाँ पे इंट्रो, और तो आप कम से कम 6 महीने के बाद आओ। तो 6 महीने के बाद मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लगा, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया कि शायद लुक चेंज नहीं होती होगी या चीज़ें चेंज नहीं होती होगी, पर एक एक्टर के अंदर कीड़े नाचते रहते हैं ना कि नहीं 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 जाना है जाना है जाना है, वो चीज़ करनी है, वही चीज़ करने जा रहा हूँ। तो अपनी धनों के साथ जा रहा हूँ, बहुत गंदे हालत है इसकी, बहुत गंदी हालत है, तो दिखा नहीं सकता। तो वहीं पे जाके, मतलब अभी बीच बीच में शॉट लेके वहीं पे जाके बात कर। तो हम दोनों पहुंच चुके हैं, अभी हेलमेट नहीं पहना है, बाल बाल बनाऊंगा, थोड़ा सा मुंह साफ करूंगा। और प्रयाग मेहता ही है ना, ये प्रयाग मेहता जी है, इनके माथे पे जाके लगे हुए हैं, ईवल आई लगा रहा था भैया। हाँ भैया, सामने स्टेट, अच्छा अंदर जाके देखते हैं। और ये जो साथ वाला बगल वाला देख रहे हो ना, ये शक्ति कपूर का है, मतलब पता नहीं क्या है, स्टूडियो है या क्या है, जो भी है वो है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। पसीना बहुत आ जाता है मुँह पे, इसीलिए थोड़ा साफ करना पड़ता है। तो ये वो मिट्टी मिट्टी लग गई इस पर। अरे अरे इतना जूम मत कर। कैमरा है इसलिए हो गया। अभी फोन निकाल के पाल भी सकते हो। फिर से वर्सोवा आराम नगर की गलियों में घुसते हुए और जाते हुए। हेलो, इसको भी नॉट फिट बोल दिया, ऑडिशन देने आए और जाते हुए, और प्रोडक्शन हाउस ढूंढते हुए, स्ट्रगलिंग लाइफ। जो पहले मुंबई में आए थे, पहले 3-4 सारी यही चीज़ें की, अब फिर से रिपीटेड हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है, वाइब भी आ रही है। पहले यहाँ पे कंटिन्यूसली एड के ऑडिशन और वेब के ऑडिशन चलते रहते थे, जब से कोरोना आया है उसके बाद तो मतलब ऐसे आना, सारी चीज़ें बंद ही हो गई हैं। अभी क्या है, आप घर से ऑडिशन बना के, चीज़ें बना कर भेज दो, इंट्रो भेज दो, तो वो देख लेंगे। पर यार इतने सारे लोग आते हैं, सुनने में आया कि मुंबई में हर दिन, मतलब कम से कम बोलते हैं 1 लाख लोग आते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा एक्टर बनने आते रहते भी हैं और जाते भी हैं। खैर, पर वो चीज़ हो जाती है ना कि भैया कंपटीशन बढ़ता रहता है, लोग प्रोफाइल भेजते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल पता नहीं कहाँ कहाँ नीचे दबती, तो स्ट्रगल करने के लिए, ऐसे आने के लिए घूमना तो पड़ता ही है भैया। तो यहाँ पे तो हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ, 2-3 जगह हम गए, वहाँ पे कह रहे हैं अभी कास्टिंग वाले आए नहीं है, कभी कभी 10 बजे ही आ जाते हैं, मतलब इसलिए हम जल्दी आ गए, मतलब 10 का है पर 11 बजे तक आते हैं। हाँ 11 बजे तक कास्टिंग वाले आते हैं, 11:30 बजे तक। वो भी सोचते होंगे एक्टर इस समय आते हैं, लेकिन एक्टर पहले ही पहुँच गए। तो एक्टर में दम है, पोटेंशियल है, इसलिए जल्दी पहुँच गए। अब कास्टिंग वालों में है नहीं, इसलिए हमें कास्ट नहीं कर रहे, बात तो सच्ची ये है। भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ऑफिस कास्टिंग ऑफिस है नहीं हो रहा। ऑडिशन देने आया है, यहाँ स्कोप है तेरा, बनेगा। अरे ये तो गलत काम कर रहे हो, अच्छी चीज।
इंट्रो देने आए हैं दोनों भाई लोग हावड़ा जी के यहाँ से, और हमें बाहर खड़ा कर दिया गया बोले 5 मिनट तक। वैसे तो टेबल तो आके मिलेंगे, हाँ सर आके मिलेंगे, वैसे तो टेबल था अंदर बैठ सकते हैं, है स्वीट ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, नो वरीज। अरे भैया ऑडिशन ले लो, धूप में काला हो जाऊँगा। हमने हर जगह ऑडिशन दे दिया, मतलब ऑडिशन तो कह दिया, इंट्रो तक नहीं हुआ। खैर काफ़ी लोगों से मिले, मिलकर अच्छा भी लगा। अभी एंटी कास्टिंग में गए थे, बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड बहुत मेरे को सही नहीं लगा। रिसेप्शन वाले का बोला कास्टिंग वाले भैया से मिला दो, बात करवा दो कि कर लेते हैं दो चार बातें, मिलना ही तो होता है। नहीं वो किसी से नहीं मिल सकते। मैंने कहा नंबर दे दो कास्टिंग वाले का, प्रोफाइल भेज देंगे। नहीं वो भी नहीं दे सकते, वो वहाँ पर QR कोड चिपका रखा है उसका इंस्टा आईडी का, जहाँ से वो कभी रिप्लाई नहीं करते। कुछ नहीं है भैया, बेकार है, कम से कम ट्रीट को अच्छे तरीके से कर दो तो सही रहेगा। खैर ठीक है, चलते हैं अब घर, और क्या ही कह सकते हैं। कौन सी बुक खरीदने जा रहे हो आज? मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को सही अवेलेबल तो होगी नहीं यहाँ पर, मैं दूसरी देख लेते हैं। अच्छा तो देख लो, अच्छी दुकान है, बढ़िया है, एंटिक पीस पड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कुछ तो बढ़िया मिल ही जाएगा आपको। शूज़ उतार के भैया ऐसे मत जाओ दुकान में। कुंवर भाई जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई बुक मिल जाए बढ़िया, तो कह रहे हैं जो मुझे चाहिए वो तो नहीं मिलेगी, पर मैं देख लेता हूँ। अगर देख लो फिर, जूते उतार के जाना पड़ेगा, मेरी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये वाले बड़े वाले जूते उतारने में टाइम लग जाएगा भैया। कौन सी बुक लेकर आए हो कुंवर भाई? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। कौन से वाले योगी है? हरिवंश योगानंद। अच्छा ये आपको पढ़नी है? यस। क्यों? ये काफ़ी टाइम से पढ़नी थी, काफ़ी रिकमेंडेशन थे, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था। अच्छा है नहीं? हाँ ये लिया मैंने पहले शॉट आपका, हाँ ब्लॉग में डाल दूंगा मैं, इंस्टा का भी आपका ये दिखा देते हैं, यहाँ से हम लेके गए हैं, बहुत ही बढ़िया दाम में दिखाया मैंने पूरा आपको। ठीक है मिलते हैं भैया। तो बुक कैसी है? बढ़िया है, बहुत अच्छी बुक है, रिकमेंडेशंस थे इसके। ठीक है तो फिर देखते हैं, पढ़ के मुझे भी देना, मैं भी पढ़ूंगा, हेवन को भी दूंगा। हाँ को भी पसंद आएगी काफ़ी। ठीक है बस, चाय पीनी तो सामने से, चलो चाय पीते हैं फिर जाके, गाड़ी यहीं रहने। हाँ गाड़ी यहीं रहने देते, चलो चलते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं। चाय पीने का समय हो चुका है, ये बाबू तो चाय ना टेबल पर समोसा पाव खा लेंगे और क्या। चाय दे दो, अभी हम समोसा खा रहे हैं, इसके साथ पाव चटनी भी दे दो यार। सेम हमको भी दो यार, चाय दे दो, चाय दो, चाय दे दो, और समोसे पाव का कॉम्बिनेशन एक तरफा है, और इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है, कोई बात नहीं चल जाएगा। अभी ये खाने के बाद मतलब थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि पेट में गुटर बहुत लगी थी। वैसे तो ये फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, कभी कभी मन लचा जाता है, यू नो वी आर इंडियंस, मन खाता। ये देखो मैंने चाय ख़त्म कर दी है, और कुंवर भाई ने अभी शुरू की है, मतलब इतना स्लो खाते पीते हैं। बहुत ठंडी ठंडी थी, ठंडी थी चाय तो इसीलिए नहीं पी, ठंडी थी कि गर्म थी? ठंडी। कोई नहीं कोई नहीं, इम्प्रोवाइज़ कर, चलेगा चलेगा। नहीं वही बोला था मैंने, वही बोला था। हाँ क्या कह रहे थे कुंवर भाई? तो जब विराट कोहली का करियर डाउन चल रहा था उस टाइम, फिर उसने ये वाली बुक खरीदी। ये वही वाली है, निकल नहीं रही। फिर वाली ये बियर बायसेप में पड़ी थी, और अंकित को रिकमेंड की थी, सजेस्ट की थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पढ़ के देख लेना चाहिए उसमें, तो पढ़ के एक लर्निंग्स होगी, ट्राई करूँगा। हाँ तो अच्छी चीज़ें इसमें से सीखने को मिलेगी हमें, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंडेशन करूँगा, रिकमेंड करूँगा अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है कुंवर भाई, मैं भी पढ़ लूँगा, थैंक यू सो मच।